बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Assalamualaikum जनाब एंड वेलकम टू बॉल नाइट्स विद एहसन खान। आप जहां जहां भी हैं और जिधर जिधर भी मेरा शो देख रहे हैं, आई जस्ट विश एंड होप सब खैरियत से है, सब ठीक ठाक है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये शो देखा जाता ही है लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाता है, और क्योंकि अब एक ग्लोबल जो है वो ग्लोबली हम इतने क्लोज हो चुके हैं कि अब जो फासला है ना, बस इतना ही है जितना मेरा और इस कैमरे में है, या आपकी टेलीविजन स्क्रीन या फोन स्क्रीन में, और जितना आपकी आंखों में, बस इतना ही फासला है हमारे बीच में। हर बात हर जगह कहीं ना कहीं आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, और सबसे ज़्यादा मुलाकात तो यहाँ पे होती है और फिर फीडबैक मिलता है। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए यूके से, बेशुमार मैसेजेस कनाडा से स्पेशली बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, और रिसेंटली अभी मैंने देखा कि कुछ मैसेजेस स्पेन से, एंड इनफैक्ट मैं मुझे बड़ी हैरत हुई कि ऑब्वियसली वो आजकल मैसेंजर्स पर और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लोग ढूंढ लेते हैं या ट्विटर पर भी, और प्राइवेटली इनबॉक्स भी मैसेजेस करते हैं, और कहीं कहीं ऑप्शन मैसेंजर पर और इधर उधर कॉल या वॉइस नोट्स की भी जब होती है ऑब्वियसली तो वो भी भेज देते हैं। तो फिर वो ऐसे मुझे फील होता कि जैसे पता नहीं मेरी कोई पुरानी दोस्ती है, लेकिन वो देन आई रियलाइज कि शायद मैं उतना नहीं जानता जितना आप लोग मुझे जानते हैं, बिकॉज़ यू गाइज़ वॉच दिस शो, आई टॉक टू यू सो मच, और वो एक रिलेशनशिप जो है वो बड़ा करीबी ताल्लुक बन जाता है। तो जनाब इसी तरह फीडबैक देते रहिए, मैसेजेस भी करते रहिए और बताते रहिए आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। और खान एहसन ऑफिशियल, खान एहसन ऑफिशियल इज़ माय पर्सनल इंस्टाग्राम, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। बोल के पेजेस पर जो इतना ज़बरदस्त फीडबैक आप देते हैं, और चैनल यूट्यूब जो चैनल है उस पर आप देखते हैं हमारे शो को, और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी आ रहे होते हैं, बीच में कहीं एक आधा ऐसा बुरा कमेंट भी आ जाता है, बट दैट्स ओके। वो कहते हैं ना, हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, और बड़ा अच्छा लगता है जनाब। आगे बढ़ते हैं और एक्टर्स की बात, ऑब्वियसली मेरे शो में एक्टर्स आते हैं, कुछ डायरेक्टर्स आते हैं, कुछ प्यारे प्यारे लोग आते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे लोग जो कि आपको जनरली जो है वो बातें वो नहीं कर रहे थे, वो मेरे शो में कर रहे थे। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके शो में कैसे ये बात करती, वो कहीं और तो करते नहीं हैं। तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तो इस शो की जो सक्सेस है वो सिर्फ इसलिए कि इतने प्यारे प्यारे मेरे दोस्त आते हैं, सेलिब्रिटीज़ इतने अच्छे हैं सारे जो आते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और आई ऑलवेज थॉट कि ये कैसे जो हम बात को आगे बढ़ाएंगे, बट वो माशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग सो वेल। एंड मैं समझता हूँ कि इस शो की कामयाबी का क्रेडिट जो है वो हमारी टीम को तो जाता ही है, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन सब लोगों को तो जाता ही है, बट उसके साथ साथ इसका क्रेडिट जो हमारे यहाँ पे स्टार्स आते हैं, जो मेरे शो को सजाते हैं, जो आके यहाँ मुझसे मिलते हैं, जो हमारे सवालों के जवाब देते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, और उनको क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अगर अकेला इस शो की सक्सेस का या पसंदीदी का कोई क्रेडिट लूँगा तो वो बड़ा ही एक गलत सा एक तासुर होगा, वो हो नहीं सकता, इट्स टीम वर्क। खैर एनीवे, आज हम किनको बुला रहे हैं जनाब? मेरे दोनों बड़े पर्सनल फेवरेट हैं, बहुत मैंने इनका अच्छा काम देखा, और टिपिकल रन ऑफ द मिल काम नहीं करते, आई थिंक बहुत काम छोड़ते भी। ये एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता है, जब आपका ब्रेड एंड बटर ये काम हो, यानी कि आपकी जो है वो घर से चलता हो, यहाँ पर किचन जिसको कहते हैं से चलता हो, या यही आपका एक सोर्स ऑफ इनकम हो, तो अपने शौक़ का काम करना और बाकी मुनासिब या नामुनासिब काम आना और उसको छोड़ देना, जबकि यहाँ पे हर तरह का काम जो है वो नज़र भी आता है, चलता भी है, और शायद लोग तो देख भी लेते हैं हर तरह की चीज़, लेकिन एक अपना फ़िल्टर आपने लगाया होता है कि मुझे इस स्टैंडर्ड का काम करना है, मुझे ये रोल करना है, मुझे ये फ़िल्म करनी है, मुझे ये ड्रामा करना है, मुझे ये वाला नहीं करना, मुझे वो वाला नहीं करना, मुझे वहाँ नहीं जाना, ये एक्टर्स का अपना फिल्टर होता है। तो हमारे जो दोनों आज के आर्टिस्ट हैं वो मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, मुलाकात उनसे रहती है, और उनका काम जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उनका काम देखने में, क्योंकि वो ज़रा हट के काम करते हैं। तो पहले पैकेज देखते हैं उन साहब का जो आज यहाँ पे मौजूद हैं। दिखाइए जनाब, प्लीज़ वेलकम शमून अब्बासी।
are you? Fine. How are you doing, man? So good to see you, yaar. Same here, man. Welcome, welcome to the show. Thank you. Thank you. Fit hai, khairiyat se hai. Alhamdulillah. Kaam sham kaisa chal raha hai? All good. Looking in good shape, yaar. Thank you, bhai. Koi khas kaam ho raha hai? Kuch khas aajkal chal raha hai? Kaam ke hawale se films hai. Okay. Aur gardening. Acha, wow, yaar. Interesting. Gardening is a therapy, you know. It is. और अगर आपको पौधों से दरख्तों से मोहब्बत हो जाए आप उनको पानी दे रहे हैं उनका ख्याल रखते हैं तो ये बड़ा एक खूबसूरत काम है बहुत मजा आता है और वो ऐसा लगता है जैसे आप एक अलग किसी टूर पे चले गए हैं और आप यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड तो मेरा तो एक किचन गार्डन चल रहा है प्रॉपर सो आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो इट्स लाइक एन इंडोर थिंग ओह दैट्स इवन डिफिकल्ट और मुश्किल है तो वो उधर ही से तोड़ रहे हैं वहीं से खा रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है तो मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस तरफ लेकर यार ये तो बड़ा इंप्रेसिव है कि वहीं से अपने घर के टमाटर तोड़े oh, गाजर yes, निकाली हुई इज वेरी हेल्दी यार ये हम पूछेंगे इसके बारे में दिस इज अ गुड थिंग और एक बात ये कि जब आप इतना क्लटर जमा हो जाए ना बातों का चीजों का और फिर काम भी आप कर रहे हो और इधर उधर बहुत कुछ चल रहा हो तो फिर आपका फोकस जब इस तरह की किसी चीज में जाता है तो वो आप दूसरी चीजें भूल जाते हैं कुछ देर से ऐसा ही है ना आई थिंक यू डिड दिस फॉर दिस रीजन ऑल्सो Ahsan, I had this green thumb. मतलब मैं जब भी my mother knows that मैं जब भी कोई plant लाता था वो टूटा हुआ हो जैसा भी हो I used to like you know just sort of put it in the vase and everything. वो चल पड़ता था तो my mother pushed me. She said कि तुम्हें पता है green thumb एक चीज होती है I said what is that? उन्हें कहा जो भी पौधा अपने हाथ से लगाओ वो जिंदा हो जाएगा और उसमें वो पलेगा बढ़ेगा आगे तो यू शुड ट्राई डूइंग दैट तो मी एंड माय मदर देन स्टार्टेड एक्चुअली काफी अर्से पहले कि मैं फिर बहुत सारे गमले लाया है ना यूज टू फिर वो क्या हुआ वो फ्लैट्स में आप चले जाते हैं अपार्टमेंट्स में यू डोंट हैव दैट एक्सेस नहीं होता वो जमीन चाहिए होती है अब मैं चला गया हूँ एक ऐसे इलाके में जहाँ पे आई हैव लाइक लिटिल स्पेस यू नो तो आई हैव लाइक ग्राउंड एंड एवरीथिंग तो आई कीप ऑन डिगिंग मैं सुबह उठता हूँ और मी एंड ज़ोरो आर लाइक यू नो डिगिंग एंड नए सीड्स डाल रहे होते हैं दैट्स फन ओह वंडरफुल यार दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग अच्छा आप आगे बढ़ते हैं और हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त है हमारी आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छा काम जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ एक्टर्स जिनको मैं अलग करता हूँ दूसरे एक्टर से सिर्फ इस बिना पर कि वो काम चूज से नहीं करते हैं शी इज वन ऑफ देम लेकिन पहले देखेंगे इनका पैकेज सो प्लीज वेलकम फैज़ा हसन और मुझे वो बहुत अच्छा लगा बड़ा मजा है काम किया और काफी अर्से बाद मतलब मैंने तो आपको इतने गौर से देखा कि वो बड़ी स्क्रीन पे जब आप देखते ना किसी को तो नेचुरली उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती घर में जब आप ड्रामा या कुछ और देखते हैं उसमें और बड़ी चीजें चल रही थी ना किसी की बच्चों की आवाज कभी किचन से आवाज तो फिल्म में फोकस तो I was very impressed by your work. Very Thank nice, you. Wonderful. Thank you. तो बीच में बहुत लंबा गैप आ गया कहाँ थी आप ये सबको लगता है होता यह है कि हम साल में एक ड्रामा करते हैं या कोई भी एक प्रोजेक्ट उससे ज्यादा हम कौन मैं ओ अच्छा okay. मतलब आप अपना अच्छा यू वन ऑफ दोस अपने को हम कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूं सलमा आगा टाइप नहीं आई एम नॉट सलमा आगा टाइप प्लीज नहीं क्या मतलब सलमा का यार इतनी हमारी प्यारी आर्टिस्ट नहीं मुझे बहुत पसंद थी मुझे भी प्लीज क्यों कहा पसंद है, लेकिन मैं उनके जैसी नहीं हूँ मैं इसलिए इसलिए कहा कि मैं उनके जैसी नहीं हूँ ठीक है फायदा मैं फायदा हसन हूँ फौरन ये देखा यू टर्न जी सब यू टर्न ले रहे हैं हम भी ले सकते हैं अच्छा ठीक है नहीं वो लगता सबको ये है कि जैसे मैं बीच में गायब हो गई आई रिमेम्बर एक मेरे को एक्टर थे उन्होंने मुझे कहा था तुम एक प्रोजेक्ट करती हो फिर तुम हाइबरनेशन में चली जाती हो इट्स जस्ट मैं एक वक्त एक काम करती हूँ उसके बाद फिर अक्सर तो मिलता नहीं है मेरे मतलब का एक्चुअली मतलब का ऑफर्स होती होगी बट अपनी मर्जी का मर्जी मैं नहीं होता मैंने शमून के बारे में भी नोटिस किया कि क्योंकि हमारी एक स्टेज सबकी एक स्टेज होती है जिसमें हम सब कुछ कर रहे होते हैं वो बिगेनिंग होती है और फिर मिडिल में फिर एक वक्त आता है जहाँ रियलाइजेशन होती है कि नहीं यार यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट एंड यू वांट टू डू समथिंग व्हिच मेक्स यू हैप्पी तो आई थिंक हम सब उस स्टेज में हैं आपका तो खैर मैंने करियर इस हवाले से देखा हुआ है एंड आई रिमेम्बर आपका जो मुझे सबसे ज्यादा ड्रामा पसंद आया था वो था पानी पे नाम अच्छा, जी ठीक है पुराना है बहुत पुराना नहीं इतना पुराना नहीं आप उससे भी पुराने हैं आई नो ठीक है ठीक है बट वो मुझे बहुत पसंद आया था ठीक है और मैं ये कह सकती हूँ कि वो मैंने जब देखा आपका तो मैंने कहा ला ही सो गुड उससे पहले आप हीरो ही आते थे उसमें नेगेटिव तो उसमें नेगेटिव था ये प्ले है पानी जैसा प्यार नहीं पानी पे नाम सरमद का प्ले है
आई डोंट नो सबा कमर थी उसमें, बिल्कुल सबा, जिसमें मैं नेगेटिव बना और मेरा मर्डर हो जाता है, आई रेप गर्ल, यस एग्जैक्टली, तो वो मुझे बहुत पसंद आया था ऑनेस्टली, यानी थैंक यू, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो फिर अच्छा आप गायब हो जाती हैं, हाइबरनेशन में चली जाती हैं, फिर कभी कभी निकलती हैं बाहर और फिर आके काम करती, फिर गायब हो जाती हैं। नहीं ऐसे भी होता ना, इंसान शादी करके बिजी हो जाता है, शादी तो शादी के बहुत अर्सा हो गया, ठीक है तो बिजी नहीं है। शमून बहुत बिजी होते हैं ना शादी में, मेरा मतलब अच्छा जब ही आपको शादी याद आ रही है, ओके ऐसे ही बोला यार, क्यों था ये, क्यों ये, क्यों था ये, ऐसे यार कभी, लेकिन हम सीरियस बातें करेंगे बैठ के, आई जस्ट आल्सो वांट टू एंजॉय ना, जब मैं मेरे साथ कोई सामने दोस्त यार बैठे थे ना, आपसे तो मेरी कभी इतनी गपशप हुई नहीं। अच्छा इस फील्ड में कैसे आई ये बताएं? बस वो मॉडलिंग पहले करती थी, ठीक है, फिर वो उस बाद ड्रामे की ऑफर हो गई। पहला बहुत फेमस काम कौन सा जैसे ये लगा कि यार इससे मुझे शनाख्त मिली? मैंने पीटीवी का एक सीरियल किया था साहिल की तमन्ना, और उसके बाद फिर मुझे सकीना सम्मो ने बड़ा ब्रेक दिया था, वो मेरा और उमैरा अहमद का पहला प्रोजेक्ट था इंडस टीवी के लिए, तो आई वाज मेन लीड विद फैसल कुरैशी एंड अदनान सिद्दीकी, उमैरा अहमद ने स्क्रिप्ट लिखा था, फहद मुस्तफ़ा का भी आई थिंक पहला ही था। अच्छा, अच्छा तो बस वो उन्होंने बड़ा ब्रेक दिया, और सकीना वाज अ डायरेक्टर, सकीना वाज अ डायरेक्टर, सच अ गुड डायरेक्टर एंड सच अ गुड आर्टिस्ट, तो उन्होंने बहुत सिखाया भी, उसके बाद फिर बस फिर सिलसिला चल निकला। ठीक है जी। अच्छा भाईजान क्या आजकल एक फिल्म बड़ी अच्छी शूट हो रही है बलूचिस्तान में आपकी आयशा उमर के साथ, ढाई चाल, ढाई चाल, ठीक है, व्हाट इज इट अबाउट? इट्स अबाउट बेसिकली जो बेसिक स्टोरी लाइन है उसकी, इट्स अबाउट ऑल द सैक्रिफिकेशन जो बलूचिस्तान में लोगों ने दिए वहाँ पे पीस, और वहाँ पे जो इतना वहाँ पर प्रॉब्लम चलती रही है पिछला, आपको पता है बिल्कुल 25 साल से हम सुनते हैं के बड़ी अनपीसफुल सी सिचुएशन हमेशा रही है, फिर आई एम प्लेइंग कुलभूषण यादव इन दैट फिल्म, तो यू नो इट्स बेसिकली अ स्पाई थ्रिलर जहां पे हमने ये भी दिखाया कि हाउ यू नो द बलूचिस्तान पीपल हैव बीन सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेटेड एंड मैनिपुलेटेड, और उन्होंने किस तरह उसको ओवरकम किया चीजों को, और अभी भी कर रहे हैं, कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, मतलब हमारी आर्मी और हमारे जितने भी लोग हैं वो इतनी कोशिश करके अब सब कुछ ठीक कर रहे हैं, वरना जो आउटसाइड जो इन्फ्लुएंस था दूसरे मुल्कों का बड़ा डिस्ट्रॉय किया हमारे उस खित्ते को खास तौर पे, और बलूचिस्तान मुझे हमेशा लगता है हसन कि इट्स लाइक द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, देयर इज सो मच लैंड एंड सो मच, इतने वसाइल हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है वहां पे, एंड द पीपल आर वेरी जेनरस, द वेरी गुड पीपल, मुझे बलूचिस्तान में अभी पिछली फिल्म भी दुर्ज भी हमने वहीं शूट की है, तो लोग बड़ा डरते हैं ना, कहते हैं यार यहाँ से आप बलूचिस्तान जाके शूट करेंगे लूट मार होती है, मार धाड़ होती है, यकीन करें इतने कोऑपरेटिव लोग, वेरी फ्रेंडली पीपल, मैं आई हैव बीन शूटिंग इन गवादर फॉर समथिंग एंड देन इवन गवादर से पहले पूरी जगह वहां पे हमने शूट किया, बड़े प्यारे लोग, प्यारे लोग, और हमारा पूरा पाकिस्तान इतना प्यारा है, और मुझे लगता है कि ये जो पैट्रियटिज्म पे जो फिल्म बनती है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि आप देखें आज भी सिनेमा में जाके जब हम इस तरह की फिल्म देखते हैं तो आपको गूज़बम्प्स भी होते हैं, आपके आंसू भी निकल आते हैं, क्योंकि अपने मुल्क का और अपने वतन से जो मोहब्बत है ना तो वो बड़ी ज़रूरी है। या बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा तो क्या फील्ड के बारे में अक्सर मैं अक्सर शमून का ना इससे जब हम बिकॉज हमारी दोस्ती भी है ना एक पुरानी, लेकिन तो इसलिए मजाक वजाक भी आई थिंक हम कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं मजाक ज़्यादा नहीं करूँगा, बट वेन एवर आई हैव सीन योर न्यू इंटरव्यूज़ योर कोई बयान या कुछ तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है जो दिल में ना जो लगी होती कि ये हो नहीं रहा, जैसे आप कुछ देख रहे होते गलत हो रहा होता है, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट, तो वो अब स्टेज आई कैन सी दैट अलॉट इन यू, यानी चाहे वो फिल्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कोई दो नंबरी कर जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपको लगे कि किसी ने कर दी, चाहे किसी एक्टर ने आपका काम कटवाया हो किसी फिल्म में, तो ये क्या अब ज्यादा यू बिकम आउट स्पोकन? मुझे लगता है जितनी खामोशी असल में लोग मुनाफकतों में निकालते हैं ना ऐसा, मैं उस ट्रैक पे जब जाता हूँ तो मुझे बर्डन फील होने लगता है अबाउट ऑन माय इफ आई एम कंसर्न। देखो अगर दुनिया में कोई चीज़ हो रही है आपका कंसर्न नहीं होता उसमें खामखा टांग अड़ा के तो कोई फायदा नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू यू यू या तो आप या तो फिर चुप हो जाए और फिर क्या है कि उस रीत को होने दें जो हो रहा है, तो वो पूरी पूरी जनरेशन तबाह हो रही हैं। आवाज़ उठाने से ये होता है कि आप थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करते हो, चीज़ चेंज हो ना हो। अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी चाइना में कुछ स्टूडेंट्स फंसे हैं, ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग जोक्स एंड स्टफ एंड कोरोना के ऊपर इस पे उस पे, बट शो बिजनेस से प्रॉब्ली आई वाज द फर्स्ट वन जिसने प्रॉपर वीडियो बनाई और मैंने एक थोड़ी सी जरा अवेयरनेस क्रिएट की, क्या इतने सारे वहाँ पे लोग हैं, हर मुल्क से स्टूडेंट्स को और लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे।
तो अब अगर एक ऐसी बात मैं करता हूँ तो उसकी वजह ये, एक तो मैं ग्लोबल नॉलेज रखता हूँ हमेशा, सही, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने ही इलाके और गली कूचे की बातों पे ना फंसा रहूं, सही, मैं आई रीड, आई यू नो गो थ्रू, आई थिंक मना किया रही हमारी तरफ से, एक मैसेज ये है कि शायद नहीं इवैक्यूएट करेंगे फिलहाल, अब ये कि पाकिस्तानी कुछ गए वहां पर, कुछ मेडिकल डॉक्टर ये हो, तो वो होता ही है कि ऐसा कि आप कभी कभी किसी चीज पे आवाज उठाते हैं ना, तो अवेयरनेस आपके बाद आपको फॉलो करने वाले के अंदर आती है और उसके अंदर ये हिम्मत क्रिएट होती है कि यार गलत बात पे आवाज उठानी चाहिए, जैसे कचरा है या गंदगी है या ट्रैफिक है, अगर इस पर हम छोटे छोटे हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, बिल्कुल, तो हमें क्या गलत बात आगे पोर्ट्रे करनी चाहिए या अच्छी बात पोर्ट्रे करनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको एकदम से यहाँ गिरा देता है और छोटी सी अच्छी बात यहाँ से यहाँ ले जाती है, तो पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू एज अ ह्यूमन। आई डोंट नो व्हिच सॉर्ट ऑफ एक्टर आई एम, आई डोंट नो व्हिच सॉर्ट ऑफ, मैं मुझे किस ग्रेड में रखा जाता है, बट एज अ ह्यूमन आई वांट टू फील गुड, यू नो, आई वांट टू फील गुड, सैटिस्फाइड, यू आर अ वेरी गुड एक्टर, थैंक यू, पीपल लव यू एंड पीपल नो दैट यू आर अ गुड एक्टर, आल्सो नॉट ओनली एन एक्टर, यू आर अ गुड डायरेक्टर, बिकॉज़ मैंने आई हैव वर्कड विद यू एज एन एक्टर ऑल्सो, मैंने थोड़ा काम किया लेकिन मैंने काम देखा भी बहुत है, चाहे वो टेलीविजन ड्रामा था तो तब भी मुख्तलिफ किया, मतलब ये बात सिर्फ ये नहीं कि योर हेयर, वैसे भी हम सब लोग जानते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आजकल जो काम हो रहा है, जो फिल्में बन रही हैं और जिस तरह इस फील्ड, जिस डगर पे ये फील्ड जा रही है, आर यू सेटिस्फाइड विद इट? यस, आई मीन देखो लोग सिर्फ बुरी चीज़ों को ही हाईलाइट उजागर करते हैं, उजागर करते हैं, मुझे दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी लगी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, वो ये है कि एक तो ऐसा हमारे जो इमेजरी थी, द सिनेमाटोग्राफी हैज एक्चुअली यू नो लेवल अप हो गया, बिल्कुल सही, मतलब अब जो है ना हमें लाइटिंग हो या डायरेक्टर फोटोग्राफी हमारे हो या वो सेटअप हो कैमरा शैमरा, तो हम किसी मुल्क से पीछे नहीं। अब रह गया कंटेंट, कंटेंट का इशू बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि आज भी प्रोड्यूसर बेचारा उस मासेस के लिए फिल्म बना रहा है जो 80s में 70s में मासेस को कैटर किया जाता था, वो मासेस रही नहीं ना, अब आप जब मल्टीप्लेक्सेस बन गए हैं तो आपकी क्लास और चीजें भी चेंज हो गई, आपकी ऑडियंस भी चेंज हो गई, ऑडियंस चेंज हो गई, और जनरली भी आई थिंक मासेस भी मौजूद हैं बट उनके पास सिनेमा का एक्सेस नहीं है ना यार, आप देहातों में तो सिनेमाज हैं ही नहीं। मुझे लगता है कि इट्स अबाउट टाइम दैट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सिनेमा ओनर्स स्टार्ट एक्सेप्टिंग एवरी काइंड ऑफ मूवी, नॉट जस्ट द मसाला एंड द ढचक ढुचक, एवरी सॉर्ट ऑफ मूवी, कमरों में। डोंट यू थिंक दैट डजंट वर्क एज मच एज द मसाला फिल्म वर्क्स? एक्चुअली वी नीड टू स्टॉप मेक, देखो हम एक ही दफा में मुर्गी काटने का सोचें, हम ये नहीं सोच रहे कि यार ये एक एक अंडा करके भी ना पूरी पोल्ट्री फार्म ग्रेजुअल हम बहुत जल्दी में, बिकॉज हमें डर बहुत है कि यार मेरा पैसा लगा हुआ है, जल्दी आ जल्दी। अब क्या होगा कि जी हमें ऐसी मूवी बनानी है जिसके पास ये पैसा, देखो तुम भी मूवीज में हो, ऑनेस्टली मैं बोलूंगा ये बात ऑन एयर, मूवीज पैसे बनाने से ज्यादा इस वक्त जो है ना वो नाम बनाने के प्रोसेस में ज्यादा मदद कर रही है, पैसा इतना नहीं बन रहा, ये तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी जानते हैं। इट जस्ट अ शोशा कि जी पाकिस्तान में फिल्म बनी, आप फिल्म स्टार के ला गए, इवेंट्स हुए, इवेंट्स वाले ज्यादा कमा रहे हैं बाय द वे, रेड कार्पेट्स वाले ज्यादा कमा रहे होते हैं, ठीक है ना, ब्रांड ज्यादा कमा रहे हैं, मूवीज में प्रोड्यूसर नहीं कमा रहा, ठीक है। अच्छा ये एक अलग डिबेट है और इसमें मैं नहीं मेक सेंस, मेक सेंस, बट मेरा मकसद ये है कि जब कमा ही नहीं रहे और नॉर्मली है, देखें ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड हमारी रोजाना की वो है ना अमाउंट, गेम ऑफ थ्रोन्स को ब्लॉक कर दिया, फलाना कर दिया, एवेंजर्स से भी ऊपर चले गए, ये बड़ी हंसी आती है कभी कभी देख के, एटलीस्ट हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। यू थिंक इट्स नॉट ट्रू? ऑफ कोर्स, कम ऑन मैन, आई मीन आपको पता है गेम ऑफ थ्रोन्स का ये जो अभी लास्ट सीजन आया है, द डेट वॉज सपोज टू बी एयर्ड, गेम ऑफ थ्रोन्स की इतनी कंट्रोल थी पूरी दुनिया पर कि उन्होंने सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को अराउंड 6 घंटे के लिए ब्लॉक किया था ताकि उसके स्पॉयलर्स आगे ना जा सके। डू यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ऑन योर ड्रामास? आप 5 मिनट कर सकते हैं, तो आप सोचें, लुक एट द पावर ऑफ दैट शो। अब वो भी डिबेट नहीं है, मैं नहीं कहता अपने आप को खुश करना चाहते हैं कर लें, बट ओरिजिनैलिटी की तरफ आए, लेट्स बी ओरिजिनल, हम जैसे हैं एक दफा हम वैसे आएंगे ना तो क्या होगा, हमें एक तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे अलहदा किया जाएगा कि हाँ यार हम उनको फॉलो नहीं कर रहे। आज ना ऐसा लगने लगा है वी वेरी मच इंस्पायर्ड बाय देयर आर्टिकल्स, बाय द यू नो द कपल गोल्स, अभी हम यही बात कर रहे, द फिटनेस गोल्स एंड स्लेइंग इन ब्लैक, कम ऑन यार, ठीक है ना, लेट्स बी ओरिजिनल। ये आम आवाम जो हमें देखना चाहती है अपने जैसा देखना चाहती है, जब तक हमें अपने जैसा नहीं देखेंगे, जब तक तुम एक मॉल में जाके उनसे हाथ नहीं मिलाते, they will remember that time and you do it, main dekhta hu, you go public and you meet people, tum idhar bhi jaate ho udhar bhi jaate ho and I like that,
People connection is important. आप क्या है? आपका time गुजर, आप connection नहीं करेंगे? Connection करें, आप लोगों के साथ उठें, बैठें, बात करें. Why not? People contact me on Facebook, thinking that I am not the real Shamoon Abbasi. When मैं जब सलाम का जवाब देता हूँ, I'm like Waalaikum Salam, and they're like, Oh, is it you? And I say yes. Oh, you're online. And I'm like yes. आपके पास time है? मैंने कहा है, तभी तो Facebook पे हूँ. और Facebook के लिए मुझे कोई अलग से किसी tower पे थोड़ी बैठना है. It's in my hand. मैं कहीं भी बैठ के आपको जवाब, बाथरूम में बैठ के भी जवाब कर सकता हूँ. अच्छा, ये सवाल बहुत हुआ होगा कि किसी एक्टर ने काम कटवाया कभी किसी फिल्म में? एक दो दफा तो मैंने सुना है, मैंने डायरेक्ट नहीं सुना, लेकिन एक दो दफा ऐसा हुआ शायद. I don't know, कहते हैं ना, a man can be measured by the opposition it takes to discourage him. होता ये है कि जो शख्स आपके खिलाफ खड़ा होता है, पहले तो उसको देखें वो है कौन. ओहो, इसको आपसे प्रॉब्लम है, इसका मतलब है आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं. थ्रेटन फील कर रहा है, थ्रेटन फील कर रहा है, इसका मतलब है कि आप उसके लेवल तक से ऊपर भी जा चुके हैं, अब वो आपको नीचे लाना चाह रहा है. तो मुझे हमेशा अल्लाह का लाख एहसान है ऐसा, मैंने कभी भी इसलिए काम नहीं किया कि तुम छोटा मैं बड़ा तुम छोटा, वो चक्कर नहीं. आई लव टू मिंगल विद माई एक्टर्स. मैं कहता हूँ जितना सीन अच्छा तुम करोगे उतना मेरा फायदा होगा भाई. You acting ये कैसे समझेंगे लोग? नहीं समझ में आता. ये कैसे समझेंगे एक्टर्स? ये तो बड़ा जरूरी है. मैं खड़ा होकर दूसरों के क्यूज पे इतनी देर खड़ा रहता हूँ लोग के जूनियर्स के लिए, एंड वो कहते हैं बैठ जाए. मैं कहता हूँ नहीं यार, आई वांट देम टू यू नो रिएक्ट एंड एक्ट द वे इट शुड बी. सो आई थिंक ऑपोजिशन आपको तभी आती है व्हेन यू डूइंग समथिंग राइट. तो बिल्कुल हुआ, मेरा काम कटता है, और कटता शायद वो इसीलिए. किसने कटवाया? मैंने. तुमने तो नहीं कटवाया? मैं पूछ रहा हूँ. तुमने, तुम्हारे साथ फैसल कुरैशी ने? नहीं नहीं, फैसल तो फिर किसने? फैसल कुरैशी माशाल्लाह हमेशा उसने जब भी तो ऐसे ही नाम ले रहा हूँ मजाक में. अरे ले दीजिए नाम, वो बलवाना चाह रहे हैं आपसे. नहीं मेरा ना काम, देखो मैं किसी एक एक्टर को इसलिए नहीं कहूंगा कि जिसने कटवाया और जिसने सुनी बात वो भी उतना ही कल्प्रिट है. अगर डायरेक्टर ने उसकी सुनी तो फिर इसका मतलब है कि वो भी कल्प्रिट है. देखो अब तुम एक्टर हो, मैं डायरेक्टर हूँ, तो उसकी भी गलती, तो उसकी भी गलती है ना. एक्टर का इतना होना ही नहीं चाहिए कि वो काम को खराब कर सके. अनलेस डायरेक्टर खुद ना समझ रहे कि हाँ यार ऐसा ना, आपके ये तीन सीन बेकार हैं, ये नहीं चाहिए. कोई बड़ा एक्टर था बहुत? हाँ. कौन? He's so smart. ऐसे ही वो आपके मुंह से कहलवाना चाहता है. नहीं मैं ऐसे मैं कभी नाम लिया ही नहीं, और वो सही है, एवरीबॉडी नोस. So it's fine. I don't know. I actually don't know. मैं तुम्हें कान में बता दूंगा. मुझे कान में बता दे भाई, मैं बोल दूंगा. किसका नाम ले? कान में बोल दे यार, प्लीज यार कान में बोल दे भाई. अच्छा फैज़ा को पता है? मैंने उनकी पंजाबी फिल्में तक जाकर देखी हुई है, लेकिन मुझे साहब तो 80s में नहीं, मुझे साहब पसंद बहुत. कौन? चलो आज गेम खेलते हैं, पूछते हैं कौन है वो जिसने. अच्छा यार, लेकिन आई रियली एडमायर्ड योर वर्क. थैंक यू इन दैट फिल्म. थैंक यू जी. हां थैंक यू वेरी मच. क्योंकि आप बहुत अच्छे लग रहे थे, आप बिल्कुल टक्कर के लग रहे थे, फिल्म भी बहुत अच्छी थी, तो मुझे तो खैर बहुत मजा आया. अच्छा शो, एक बात फैज़ा आपसे भी सवाल है, जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले में, चले हम नाम, ये तो एक मजाक की बात है, बट जो कभी किसी का काम कटवाता या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना या नेगेटिविटी अप्रोच रखता है, तो इट कम्स बैक, डजंट इट? यानी ये एहसास कैसे उस इंसान को नहीं होता कि आज जो मैं किसी के साथ ये मैनूवरिंग करके कुछ कर रहा हूँ तो इट विल कम बैक टू मी, एंड इट हैज हैपेंड, मे बी एंड इट हैपेंस, यू थिंक? अगर आपको ये बिलीव का भी बड़ा मामला है ना, हम असल में शो बिजनेस से जब आते हैं तो ऐसा ना, हम इतने बिजी होते हैं डेली रूटीन की जजमेंट्स में. एवरी डे यू मीटिंग पीपल, पीपल से थिंग्स, यू लिसन, देन यू स्टार्ट प्रोसेसिंग देम. मैं कहाँ हूँ इस फर्स्ट, किस स्टेज पर हूँ, नीचे हूँ, ऊपर हूँ. अगर आप एक मिनट के लिए जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और सोचें, अल्लाह ताला ने आपको ये इज्जत ऑलरेडी दे दी है, अब जो लोग आपके इर्द गिर्द है ना, वो जैसा आपको देखना चाह रहे हैं इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स वेयर यू वॉन्ट टू बी. तो मैंने ना क्या किया, मैंने कान बंद किया और मैंने कहा देखें, आई विल रिस्पेक्ट एवरी वन आई वर्क विथ. मैं जब भी काम करूँगा, मैं मोहम्मद राना के साथ करूँ, शान के साथ करूँ, मैं कितने बड़े एक्टर के साथ करूँ, आई विल रिस्पेक्ट दैट स्पेस एंड नेम. सही, ठीक है. चक्कर क्या है कि मैं इस कभी जोन में गया ही नहीं कि जी वो आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए. हाँ मैंने अपना काम बड़ी ये सोच एक बड़ी आई थिंक एक अप्रोच भी गलत है. आई मीन यू वर्क हार्ड देन यू बिकम ग्रीडी, देन यू बिकम ग्रीडी, देन यू फिर क्या होता है, एक से दो, दो से तीन, फिर ये एक चेन रिएक्शन बनता है. मैं इनका काम कटवाऊंगा, ये गुस्से में कल आपका कटवाएंगी, आप उनका कटवाएंगे, चेन रिएक्शन शुरू होती.
तो क्या हुआ, नेगेटिविटी पल रही है एक सोशल अपना शो बिजनेस, ठीक है वो नहीं होनी चाहिए, ब्रिंग पॉजिटिविटी। मैं जब के नेगेटिव रोल्स करता हूं, बट पीपल व्हेन मीट मी देयर लाइक यार यू आपके विचार जरा सही लगते हैं, आप इतने नेगेटिव आदमी नहीं है जितने आप आप स्क्रीन पे लगते हैं, हां यू नॉट इतने भी नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। दैट्स व्हाट आई पोर्ट्रे, आई लाइक टू डू नेगेटिव रोल्स, और मुझे और मिलता भी नहीं है काम में, क्या करूं। अच्छा नहीं पता, हमने भी जब इकट्ठा काम किया था ना, कौन कौन हम कौन, अच्छा आप और इस दफा हम, नहीं आप दोनों, हम दोनों नहीं, हमने जब इकट्ठा काम किया था, हमने और आपने, तो मेरे जहन में था, मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा, I never met him. उसमें मुलाकात भी नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, बट जब हमने काम शुरू किया एंड ऑल दैट, सर मैं शो बिजनेस से ना वो बहुत निकलते हैं क्या कहते हैं गॉसिप्स, हाँ ये भी एक है, असल में मैंने भी बहुत सुन रखी है, कुछ उल्टे सीधे ना कि वो फलाना ऐसा शरीफ आदमी, आपने ऐसे ही सुना बस, सुना हुआ था, नहीं मैंने, अच्छा मैंने सुना हुआ था, मैंने ऐसे ही बोला, नहीं मैंने सुना हुआ था, डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट, मैंने ऐसे ही बोला था, नहीं सुना हुआ था, क्या आप बता, सुना भाई ये पता लग गया मुझे, बिल्कुल सुना हुआ था, खतरनाक बात हुई थी भाई, कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, कभी मुलाकात भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा तजुर्बा रहा, नहीं आई थॉरली रिस्पेक्ट वुमेन ऑनेस्टली, क्योंकि एक तो आप नेगेटिव रोल कर रहे होते हैं और ऊपर से आप इमेज आपका ऐसा ऊपर, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट भी करनी चाहिए टू गिव देम रिस्पेक्ट, बिल्कुल सही। अच्छा फैजा कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो सोचती हो कि मैंने नहीं किया अभी तक और मुझे ये वाला करना है, जो एक एक्टर की जैसे मुझे इमोशनल सीन्स करने का बड़ा मजा आता है, जब अगर बहुत अच्छा लिखा हुआ इमोशनल सीन आए तो आई रियली एंजॉय दैट, तो कोई ऐसा कैरेक्टर या कुछ जो दिल करता है कि यार ये मुझे करना है। I almost have a list. Okay. जो मुझे शौक है ना अजीब अजीब करने का, कि जो हम हमारे यहाँ होते हैं, जैसे टीचर होती है, सम ओवर एज सिंगल टीचर, या कोई बदमिजाज नर्स और समथिंग लाइक दैट, मुझे उस तरह के काम करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे बड़ा शौक है, पुलिस वाली का मुझे करने का बहुत शौक है, हाँ मुझे उन चीजों में मजा आता है, लेकिन ये कैरेक्टर्स बनते जरा कम हैं इस तरह, अनफॉर्चुनेट कॉमेडी में शायद, कॉमेडी सिटकॉम्स में शायद आ जाएं, हाँ लेकिन एक सीरियस जो नॉर्मल हमारे ड्रामा है उसमें नहीं आते, सीरियस ड्रामा में है ही क्या, बस आप रोमांस है, फिर ट्रेजेडी हो गई, फिर सब कुछ ठीक हो गया, या कोई मर मुर गया, यही होता है, नहीं हाँ यूजुअली तो ऐसा है ना, तो फिर बस एहसन यू हैव डन सम अमेजिंग सीरियल्स, मदारी नहीं उडारी, उडारी ओह अमेजिंग, नहीं नहीं थैंक यू मैन, वो तो मैं हमारी कोशिश बस होती है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट करें, एक्सपेरिमेंट करने का मेरा शौक है, इट शोस के एकदम से आप ऑफ ट्रैक हुए तो कैसे एकदम से वो रजिस्टर होती हैं चीजें, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी, के कोई आपसे तवक्को नहीं कर रहा होता कि आप इस तरह नेगेटिव करेंगे, हमारे ज़हन में इमेज होता है ना कि जो नेगेटिव किरदार करने वाला है वो इस हुलिये का होगा, मुझे तो ऐसा लगता है मेरी अपनी पर्सनल जो एक मेरा थॉट है वो ये है कि हम दुनिया में तमाम लोग जो हैं हम एक रूटीन को सीरियस ले लेते हैं और हम उसी में पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, सोच में भी, स्टाइल में भी, रोज़ उठने में भी, रोज़ सोने में भी, ज़िंदगी गुजारने में, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है, बट आप जब उससे बाहर कदम रखें तभी मज़ा आता है, क्योंकि असल ज़िंदगी तो वहाँ छुपी होती है जो आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया कभी, जो आप रोज़ कर, आपने रोज़ एक चीज़ खाई वो तो रोज़ खा ली ना, जायका मालूम है आपको, पर कुछ नया नया भी करना चाहिए। अच्छा तो अब क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डायरेक्शन में अब एक टीवी सीरियल बहुत अरसे बाद, कोई 10 साल के बाद। अच्छा यू डायरेक्टिंग अ टीवी सीरियल? या या। व्हाट काइंड ऑफ हॉरर? ओके फाइनली यू डिड अ हॉरर पहले भी, वो के नाम से, वो के नाम से जो बड़ा अच्छा पॉपुलर भी हुआ था, तो वो उसी चैनल के अब दोबारा कर रहा हूँ, तो वो होता है कि हर 5-6 साल के बाद ना 2-3 साल के बाद वहाँ से एक रिक्वेस्ट आती है कि जी आप ये करें। अच्छा पैसे ज़्यादा कहाँ से कमाए जाते हैं, टीवी सीरियल डायरेक्ट करने से, टीवी में एक्टिंग करने से, या फिल्म एक्टिंग करने से, या कुछ और? यार पैसे मुझे इस तरह मैं क्या बताऊँ, देखो मुझे लगता है कि अब इट्स अबाउट हाउ यू डीलिंग विद योर प्रोजेक्ट, अब कभी कभी प्रोजेक्ट्स होते हैं 15 दिन में खत्म हो जाते हैं, ठीक है, यू डूइंग अ मूवी 15-20 दिन में पैसे, कभी हाई बजट प्रोडक्शन आ गई, कभी लो बजट आ गई, सो इट वेरीज, इट वेरीज, ठीक है ठीक है। अब एक ब्रेक छोटा सा लेंगे, हमारे साथ वो मेरे जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने 2-3 दफा मुझे बोला ब्रेक का टाइम है, लेकिन क्योंकि हम बातें बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे थे तो मैं कभी कभी बेचारों की बातें नहीं सुनता, ब्रेक लेना जरूरी जनाब, ब्रेक के बाद हम वो सेगमेंट करेंगे जो आप लोगों को बड़ा पसंद है, देखते रहिए बोल नाइट्स विद एहसन खान। कह रहे थे लाइट्स ऑन होगी,
लाइट्स ऑफ रह देते यार. नहीं नहीं मेरे शो में ऐसा कुछ नहीं. आपको पता है मैं कभी ये सोचता था कि हमारे दोस्त आते हैं यहाँ पे सारे, यू गाइज आर माई फ्रेंड्स एंड आए माई फ्रटर्निटी, आई रिस्पेक्ट माई फ्रटर्निटी सो मच कि मेरा मुझे कोई बाहर का बंदा किसी के बारे में जिनको मैं जानता भी नहीं, अगर कभी कोई बुरा कहता है या बदतमीजी करता है किसी, तो मुझे बहुत तकलीफ पहुँचती है उस बात की. क्योंकि सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं यार, हम आपस में जो मर्जी करें बात हम किसी के लिए जो करें, लेकिन कोई बाहर का बंदा कभी भी हमारी फील्ड के लोगों को बुरा ना कहे. ऐसे ही ठीक है. अच्छा जनाब ये जो सेगमेंट है, हाँ लेकिन ये आप बता सकते हैं कि आपके साथ ज्यादती किसने की, आपके साथ किसने की, मेरे साथ किसने, मैं तो बोल सकता हूँ. ठीक है फैज़ा आप जाना चाहेंगे या शमून को भेजें पहले? लेडीज फर्स्ट. हाँ यार लेकिन फैज़ा प्लीज जाएं. और ज्यादा मेहनत नहीं है, कोई मुहावरा निकलेगा, गाना निकलेगा, अगर पढ़ा नहीं जाएगा तो आई कैन हेल्प यू. जितने स्किल्स हैं ना एक्टिंग के वो सारे बाहर. नंबर शमून को चूज करने देना. ठीक है आई लाइक नंबर 4. अच्छा अब ये गाना है कि मुहावरा है? मुहावरा बोल तो सकती हूँ ना. हाँ इतना बता सकते, इससे ज्यादा नहीं. ओके कितने वर्ड्स? मुहावरा है. वर्ड्स कितने हैं? हैं हाउ मेनी वर्ड्स? बहुत ज्यादा गिने मैंने. अच्छा गिने चलें अब जैसे. ओके पहला लफ्ज है अंधा. अंधा हो गया. ठीक है अंधा बांटे हाँ अपनों को रेवड़ियां. अच्छी एक्टर है यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही है. अच्छा ये गाना है? ये गाना है. ठीक है ये नहीं बता सकती कि फिल्मी है या नॉन फिल्मी है या बताएं? थोड़ा सा बता दो. नॉन फिल्मी एटलीस्ट मेरी मालूमात के मुताबिक नॉन फिल्मी है. लेकिन ये किसी ना किसी फिल्म में भी होगा वैसे. हो जाएगा रिमिक्स आ जाएगा इसका कोई ना. नहीं मुझे ऐसा लग रहा है. अच्छा तो ये भी बता सकती हूँ कि वो सिंगर मर गए हैं? यार बस कर दे भाई. अच्छा दिखा दो भाई तख्ती दिखा दो भाई. नहीं नहीं बस ही बता. अच्छा तो अब मैं लिरिक्स पे जाऊंगी. अच्छा इतना बता सकते हैं इंग्लिश उर्दू है पंजाबी क्या? उर्दू है भाई. उर्दू पंजाबी है. पंजाबी गाना. ओके पंजाबी. मैं तू परेशान ना हुई. अरे पंजाबी है भाई. तो मुझे आती नहीं पंजाबी. मैं तो उर्दू में इसको मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ. मैं नहीं मैं को पंजाबी में मैं क्या होती है? मेनू. मेनू नहीं एक और पोएटिक. गो फॉर पोएटिक वर्ड्स प्लीज. एसन सानू. सानू 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 नहर वाले पुल से बुला के. मैंने पुल बनाया. अच्छा नहीं बनाया. ओके सॉरी सानू. उसको एक गाना आता था सानू. सानू क्या है? सानू एक. हाँ सानू एक. एक को पंजाबी में करें एक. सानू एक एक फड़फड़ाहट. सानू एक फड़फड़ाहट. नहीं फड़फड़ाहट किसी गाने में नहीं है जी. सानू एक दिल नाम सुकून. अच्छा साउंड लाइक कर देते हैं तीसरा वर्ड. सानू एक. सानू एक उससे कोई मैचिंग वर्ड बता दो ना. सानू एक तक ठीक है. सानू एक. ओके सानू एक पुल. पुल हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ. सानू साउंड लाइक है. साउंड लाइक पुल दिल गुल गुल गुल. समून अब जानबूझ के कर रहे हैं मुझे पता है. पल. अच्छा पल 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 यानी लम्हा. बचा क्या भाई? एक पल चैन ना आवे. बचा क्या? खान साहब गाना है ये. अच्छा बात है हट हो रही है. ठीक है हाँ ये चैन ना यार. अच्छा था. अच्छा था. ट्राई गुड ट्राई. आई जी एक और. नंबर 1 है. नंबर 1 सानू फड़फड़ाहट गाना हाँ. ओके अच्छा जबान बता दूं गाने की. हाँ पंजाबी गाना है. फिर पंजाबी और जरा सा नया है. ठीक है नया है. बहुत नया नहीं. अच्छा बहुत नया. ओके चिटकनी. चिटकनी. अच्छा आप दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं ही इज हेल्पिंग मी ना. मैं हेल्प कर रहा हूं. ओके चिटकनी. चिटकनी. अब इसमें ऐसा क्या किया जो सेंसर ना खोल. हम आपका ख्याल कर रहे हैं. नहीं थोड़ा सा नाम ना खोल सीधा आ जा ऐसी कोई गाना है ना वो. हाँ यार वाह 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 अहसन वाह वाह. क्या गाना है बताया है? वो है कि है कि वो अब मैं बता दूं क्या? हाँ एक मिनट. नहीं क्या मुझे वो याद है कि वो चटखनी ना खोल सीधा आ जाए. उर्दू में होता है ये. देखो गाने का ना ताक बाग तोड़ दी वो. हाँ आपको क्या होती है कुंडी. हाँ कुंडी कुंडी. वेरी नाइस. फैज़ा ने तीन किए यार. अब तीन शमून करेंगे. कुछ मेरा कॉन्फिडेंस बहाल हो गया. आई कैन डू इट. हाँ जी नंबर बता दें उनको. फाइव. फाइव
5 goes acha phir main ho gaya main bola faiza bolo to main acha boojna wo bol chup unhone rehna hai faiza khamosh ho jati hai sir sir la rahi hai ki bolna nahi acha main main clashon ko okay don't tell me ye wo ghar hai ये वो घर है मैंने तो ये भी नहीं सुना वहां पर बहरहाल फैजा वीडियो तो सब देखी हुई थी बोला था मैंने काम के गाने देखे हैं अगर कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आकर वीडियो देखा तो फिर सब तो फिर ये भी देखा होगा तो नीचे सारे आ रहे होते हैं ना ऑटो प्ले पे ऑटो प्ले पे देखेंगे चला दे यार मैं क्लाशन को हां ओके निशाना निशाना मेरा निशाना क्लाशन को का मैं क्लाशन को नाल निशाना मारा हाँ ये क्या है ये साउंड निकाल साउंड इसका क्या होता है ठिशुम ठिशुम सॉर्ट ऑफ या दस 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 मुझे नहीं पता कि आप दोनों को देख के मेरे डायरेक्टर या मेरे जो स्क्रिप्ट राइटर उनको ये कौन से गाने याद आ गए क्या आज फैजा और शमून ये गाने तो अच्छा भाई एक और नंबर ये वाला मैं आज जाके ये वाला तो मैं घर में देखूंगी यार एक और नंबर चलाना ये कौन सा सर चलाना मैं निशाना क्लाशन जाके आज चेक करना आज मैंने देखनी है वीडियो हाँ जी आखिरी नंबर अच्छा चले 9 नंबर कर दीजिए ओ तेरी ये भी कोई मुहावरा है गाना क्या है गाना है गाना है जी और बहुत पुराना नहीं है ओके लस्सी बोलाल कर लस्सी गड़वी दूध वाली भाई गाना है वो और देखो हंसी क्यों निकल रही है आपकी नहीं नहीं, नहीं गड़वी दूध वाली भी गाना हाँ। है चमचा चीनी 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 गुड़ गुड़ आगे चीनी आगे इसके अलावा भी गुड़ चीनी क्या होता है और एक और भी नाम होता है कम ऑन गुड़ चीनी शक्कर 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 ओके शक्कर हाँ साउंड्स लाइक चक्कर मारा ओके साउंड्स लाइक अच्छा इसका एक स्टेप भी ऐसा पता नहीं इसका स्टेप ये वही गाना ना कुछ ऐसा चल रहा है मशहूर से अभी लेटेस्ट गाना अच्छा वो बलोची गाना जो था वो शक्कर वधा पता नहीं क्या जो भी था सॉरी ऐसा गाना आते नहीं है वो पता नहीं क्या था जो पिज्जा चलाना कौन सा था भाई बलोची वैसे पंजाबी ही कहा था आपने हाँ जी मैंने पंजाबी कहा था हाँ. हाँ. मुझे पता ही नहीं चला यू वर गुड यार सॉरी मैम सो बैड एट दिस I'm so bad at this. No, no, you're not. It was just for fun. It's just now. Welcome back. और yes or no करते हैं आज कुछ दो तीन एपिसोड से किया नहीं तो मैंने सोचा इन दोनों के साथ जरा क्योंकि कुछ शुगल तो लग रहा है शुगल समझते हैं तफरी हो रही है कभी किसी प्रोडक्शन हाउस ने फ्रॉड किया आपके साथ ओके आपके साथ तो नहीं हुआ आपके साथ क्या हुआ था अच्छा क्या होता है ये भी बताना है हाँ ओ पैसे पैसे खा लिए पैसे खाए नहीं बस वो दिए नहीं हाँ डिले डिलेस पे डिलेस पैसे वैसे मैं निकाल लेता हूँ अच्छा हाँ ये भी सही है मेहनत के पैसे निकाल लेने चाहिए बिल्कुल कोशिश तो पूरी करनी चाहिए करनी चाहिए ठीक है ऑन सेट कभी झगड़ा हुआ इज दैट अ यस हाँ इट्स अ यस many times yes and no yeah matlab it's not a jhagda sort of a ikhtilaf ikhtilaf आपका भी सिर्फ इख्तलाफ हुआ या जरा छोड़ के चलेगी सेट एक दफा छोड़ के चलेगी ओह हां हां जरा ज्यादा ही कुछ हो गया होगा हां वो बस ऐसे ही था वो डायरेक्टर साहब जो थे वो मुझे लेना नहीं चाहते थे प्रोड्यूसर और बाकी सब लोगों ने मुझे घुसा लिया, लिया उसमें अच्छा। हां तो वो नाखुश ही रहे तमाम वक्त फिर आखिर में हम भी नाखुश हो गए फिर हमने हम जा रहे फिर मुकम्मल करवाया काम या नहीं फिर वो प्रोड्यूसर साहब बीच में कूदे फिर जो
जो हेड थी वो कूदी बीच में, फिर हो गया, फिर हमने करके आखिरी दिन हमने उनको खुदाफिज रखने का और हम चले। कभी कमरा बंद करके शीशे आगे डांस किया? तो कमरा खोल के भी कर लेता हूँ। I don't care. And you haven't ever? नहीं, नहीं। ठीक है। आप लोग बाथरूम सिंगर हैं दोनों? नहीं। I sing, yeah, anywhere. अच्छा? हाँ, anywhere. Anywhere हो सकता है। You like singing? Yeah, I like singing. कौन सा गाना favorite है? Many, many. पुराने। आजकल कौन सा ज़्यादा ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है? यार आजकल इत्तेफाक है, अब मैं बहुत अच्छे से म्यूज़िक वैसे नहीं सुन रहा हूँ जो हमारे लोकल म्यूज़िक है, लेकिन ये कि मैनी सॉन्ग, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। ओके, आई एम म्यूज़िक गाय यार। ठीक है, ओके, यू आई मीन यू लाइक म्यूज़िक ऑब्वियसली। ठीक है, ये कैसा सवाल है? ये तो ऑब्वियस है, स्कूल या कॉलेज में कभी अफेयर हुआ? हाँ जी, जाहिर है। नहीं आपका? हाँ। ओह, नहीं हुआ कभी? रियली? बिल्कुल सही है। या ये चार पांच यस वाले हैं, जरा लेके आना, शमून को पकड़ा दें, चार पांच इकट्ठे। और भी ले आए भाई, ज्यादा सारे। एक ही था वैसे, स्कूल में आए की। अच्छा, उसके सारे उसके बाद हुए? उसके बाद प्रैक्टिकल्स में आ गए, वाइवा खत्म। ओके, ठीक है। अवार्ड शोज में जाना पसंद है या नहीं पसंद? नहीं। वजह? हम एक दफ़ा नॉमिनेट, एक्चुअली हर दफ़ा ही नॉमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक दफ़ा जो लास्ट में गई थी तो वो उनको पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, हालांकि मेरी नॉमिनेशन हुई हुई थी। फिर मेरी सीट पे कोई और बैठ गया था आकर, इट वाज बहुत भगदड़ थी, प्रोटोकॉल नहीं था सही। फिर अभी रिसेंटली आई वॉज नॉमिनेटेड एंड देन नॉमिनेशन कर दी उन्होंने और वो सोशल मीडिया पर तो सब चला दिया, कैटेगरी में मेरा नाम, तस्वीर, और मुझे एक फ़ोन तक नहीं आया कि जी आप नॉमिनेट हुई हैं। और एक और दफा भी यही हो चुका है। सो इट्स मैनेजमेंट इश्यूज, बहुत ही नहीं तमीज नहीं है, आई थिंक मैनेजमेंट इश्यूज। यू आल्सो, दैट्स द रीजन यू डोंट गो देयर? यस, मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज आते हैं। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ऐसा कभी-कभी ये भी होता है कि मैं क्या बोलूं, थोड़ी कैंडिड बात है, बट मैं घुल मिल नहीं पाता। आई मीन मैं नहीं घुल मिल पाता, तो मुझे कभी कभी ये भी लगने लगता है कि आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस। आई फील के देयर आर सम यू नो आईज दैट आर लुकिंग एट मी वेरी विद नॉट गुड इंटेंशंस, बट कुछ जेलस हैं, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई पहले से जज करके बैठा हुआ है। तो मेरी बहुत ज़्यादा वो शो बिजनेस में नहीं है, मतलब उठना बैठना हुआ होती थी, ठीक है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड। हाँ, बड़ा लिमिटेड सा अपने घरेलू वाले सीन है, ठीक। बट मैं कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी जिंदगी में कई मौके पर होता है कि लोग आपको जज करते हैं, तो फिर आपके जहन में वो बात रह भी जाती है। तो वो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो अगर आप एक फ्रीडम वाले माहौल में जा रहे हो तो मज़ा आता है, बिकॉज मुझे लगता है कि जब हम नॉमिनेशंस में होते हैं तो हमारा काम उस वक्त बड़ा काउंट कर रहा होता है, इट्स नॉट आवर पर्सनल लाइव्स। तो इफ़ यू स्टार्ट जजिंग मी ऑन माई पर्सनल लाइफ और एनी थिंग एल्स, जहाँ मेरी आपका कभी इख्तलाफ हुआ, वहाँ पे यू गिविंग मी अ कोल्ड शोल्डर, आपका मूड ख़राब हो जाता है। यू आर देयर फॉर सेलिब्रेशन, यू आर देयर टू सेलिब्रेट योर वर्क, योर लाइफ, तो वहाँ बैड जिसको कहते हैं वाइब्स ना, किल द मूड। ठीक है, तो मैं नहीं जाता, मैं कहता हूँ यार नॉमिनेशन हो गई है, ठीक है, होगा नहीं, ठीक है। जबकि हमने 13 अवार्ड्स उठाए थे माशाल्लाह एयर वाइज से, तो दैट वाज अ बिग नाइट फॉर मी, बट दैट वाज द ओनली वन। फॉर व्हाट वाज इट? फॉर वार। वार 13 अवार्ड्स उठाए थे एक ही रात में। अभी भी हम 3 जगह नॉमिनेटेड हैं दर्ज के लिए माशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा जी, को एक्टर या इस फील्ड के किसी एक्टर से कभी झगड़ा हुआ? नहीं हुआ कभी भी? कभी तो हो गया? नहीं, कभी नहीं हुआ। हाँ जी, नौयत क्या आप झगड़ेगी? यस और नो? यस, झगड़ा मतलब वही वाली बात, मतलब गिरेबान पकड़ लिया, किसी को मारा या नहीं, प्यार मोहब्बत में झगड़ा? हाँ, वो एक होता ना कि आप जरा भाई सच बोलने का इख्तलाफ। अच्छा, इख्तलाफ। मैं नहीं चाहता किसी का गिरेबान पकड़ना, बुरी बात है। हाँ, काम पर नहीं होना चाहिए। मैं ये होता है मैं खामोश हो जाता हूँ या फिर मैं सुना देता हूँ, ठीक है, और फिर वो सामने वाला सुन लेता है और कहता है सॉरी। फायजा बहुत गौर से देख रही है शक्ल, शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन आई एम। सीख रही हूं इनसे क्या कि किस तरह बात को छुपाया जाता है ये। अच्छा यार, पर्दा रखना कहते हैं ना, पर्दा रखना चाहिए ऐसा ना, और क्या। हाँ, ये तो नहीं कि जब कुछ सब कुछ बोल दें। हाँ, पर्दा नहीं बोलना तो नहीं बोलना, क्योंकि होता ही है ना कि वो मैं हाँ कह दूं तो आप कहेंगे किसके साथ हुआ था, नहीं उगलवाएंगे, नहीं उगलवाऊं, तो उस शख्स का पर्दा रहना। नहीं, इट्स योर चॉइस। अच्छा, सिग्नल तो कभी तोड़ा ही होगा? यस, ठीक है।
तो लेकिन अब कोशिश होती है कि नहीं तोड़ना है, नहीं ये सब शादी से पहले घर करते हैं। अच्छा, मैंने इमरजेंसीज में तोड़ा। हाँ, एयरपोर्ट पहुंचना है, किसी को पहुंचाना है, कुछ है, वरना मैं बड़ा बोरिंग सा आदमी हूं, मैं खड़ा रहता हूं, लोग मुझे पीछे उठ जा, हिल जा भाई। कभी ऐसे किसी को डर्टी सा जोक भेज दिया है फोन पे, कभी टेक्स्ट कर दिया डर्टी सा? डर्टी जोक्स आपने तो किया ही होगा, लेकिन आपका पूछा नहीं किया। इट डिपेंड्स किसको भेज रहे हैं। हस्बैंड को कर दिया होगा ऐसे मजाक में। हस्बैंड को नहीं भेजता। हाँ, वो देखो देखो देखो, ओह यस, दोस्ती होती ना। अच्छा, आपने तो खैर अब यस भी रैंडम, मैंने कभी किसी को नहीं भेजा। लड़के-लड़के तो जरा ऐसे ग्रुप बने होते ना दोस्तों, यार ओके, मैनी डर्टी जोक्स। हां ठीक है, ओके। मी टू मूवमेंट का गलत इस्तेमाल होता है क्या? मुझे क्यों देख रहे हैं, दोनों ने मुझे देखा एकदम। नहीं, हम देखते रहेंगे, हम एक दूसरे को देख लेते हैं भाई। हाँ, हम आप ही को देखेंगे और किसको देखेंगे, पूछ रहे ना। हाँ, होता है। हाँ, लगता है कैसे? मैं अपनी बात करूंगी, औरों का मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जब मैं आई हूँ इस फील्ड में तो लोग करते हैं उठपटांग बातें आपसे, और आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप जो कुछ वो कह रहे हैं उस पर अमल करने को तैयार हैं, उनकी बातें सुनने को तैयार हैं या नहीं। ये एक मुश्किल फैसला होता है जो कि आपको करना पड़ता है, तो आप मत माने। और फिर आप एक अपना इमेज भी बना लेते हैं कि लोग फिर आपसे उस तरह की बात भी नहीं करते। तो मुझसे भी शुरू में करियर में लोगों ने उठपटांग बातें की, मैंने नहीं सुना। हो सकता है अगर मैं सुन लेती तो शायद मुझे बेहतर रोल जल्द मिल जाते, मुझे बेहतर रोल बाद में मिले, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन मिल तो गए ना, काम तो कर लिया मैंने, और मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि अगर मैं ये बात नहीं भी मानूंगी मैं तब भी आगे निकल जाऊँ। ठीक है, what do you say about this? I think कि Me Too की जो अवेयरनेस का जो उसका कंटेंट है ना, वो तो ठीक है, ठीक है, वो बात सही कह रही है, वो बात सही है, जो मतलब औरत के पास ये बिल्कुल राइट होना चाहिए कि उसके साथ किसी भी किस्म का हैरेसमेंट हो, लेकिन वो कहीं जाके हर इंसान के पास, हर इंसान के पास, लेकिन हमारे माशरे में क्योंकि खवातीन के साथ होता भी है तो उसको दबाया भी जाता है, दबाया भी जाना भी जरूरी है, तो बुजारे फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल आ जाता है जहाँ फट पड़ते हैं। So I think Me Too was not a bad idea and is not a bad idea unless you do not misinterpret it in other languages, other cheeze. So ठीक है, मतलब Me Too fine. ठीक है। अच्छा, कभी खुद अपने बाल काटे? हाँ, मतलब ऐसे पर, yes. ये मेरे ख्याल सबने किया होगा एक्सपेरिमेंट। पैसे बचाने के लिए। मैं टाइम बचाने के लिए कभी कभी हम लाइक थोड़ी आज बाल रह भी थोड़े से गए तो अब ये कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, कभी सेट पे जाके ये सोचा कि यार मुझे तो ये नहीं करना था, मैंने कर लिया यार? बहुत दफा हुआ ऐसा? नहीं, एक दफा, दो दफा। अच्छा, हुआ। I'm always very sure जो मैं करने जा रही हूं। मुझे करने जब करना शुरू किया तो मुझे फील हुआ कि जो कहा गया था वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो फिर बहुत बड़ा झगड़ा भी हो गया था। एक मूवी मेरी 2019 में जनवरी में आई थी, तो आई हैव बीन टोल्ड समथिंग एल्स। कौन सी? गुम। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? उसमें यही हुआ कि वो बेसिकली वाज अ कॉपी ऑफ अ फिल्म। अच्छा, तो मैंने तो जब डायरेक्टर मीटिंग के लिए आया तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आई डोंट माइंड कि अगर आप कॉपी कर रहे हैं, बिकॉज लोग करते हैं कॉपी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो कॉपी नहीं है, इट्स जस्ट वन सीक्वेंस। एंड देन द मोमेंट दे स्टार्टेड शूटिंग वो कम्प्लीटली वही थी, लेकिन अ बैड वर्जन ऑफ दैट फिल्म, अ वेरी बैड वर्जन। तो मैं वहाँ पे जो ना टुक अ स्टैंड और मैंने कहा देखो आई डोंट माइंड दैट यू आर डूइंग अ कॉपी, बट ये बहुत बुरा हो रहा है। No, but didn't you read the script before signing? I did. Then? I did. And I said कि ये तो बहुत सारी चीज़ें उनसे मिल रही हैं। And they were like, after my life, they were like, नहीं 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 शमून भाई, दे ये भी चेंज होगा, वो भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज। तो this sort of trapped me. And they said कि ये sequences हैं कुछ जो आपको लग रहे हैं। And I said कि ये फिल्म तो बड़ी मशहूर है और I don't mind doing it. I mean, कोई मसला नहीं है, लोग कॉपियाँ करते हैं और बनाते हैं रीमेक्स। बट जब वो शूट होना शुरू हुई तो it was so bad. And सब तंग थे, मतलब सिवाय उन दो मियाँ बीबी के सब तंग थे। एंड एवरीबडी वाज लाइक क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और वही हुआ कि तीन दिन में वो फिल्म उतर गई। एंड दे ब्लेम्ड मी फॉर दैट, आई डोंट नो व्हाई। आई वाज द वन हु वाज ट्राइंग टू सेव इट, बट दे ब्लेम्ड मी एंड आई वाज लाइक ओके फाइन। तो हुआ, ठीक है, चलिए, गुड एंड बैड चीज़ें। तो और आई वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है हर एक के साथ। कभी कभी आप मुझसे मिलेंगे, आपको मैं ठीक नहीं लगूंगा, लेकिन और लोग मेरी तारीफ भी करेंगे, है ना, ऐसा भी होता है। तो सबका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस जिंदगी में। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच यार, और बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ। थैंक यू, आई होप यू गाइस आल्सो एंजॉय द शो। ओह यस, थॉरली। एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर योर प्रोजेक्ट्स, फॉर योर पर्सनल लाइफ आल्सो, फॉर योर लाइफ आल्सो। एंड आई विश के जो ख्वाहिशें हैं वो सारी आप लोगों की पूरी। आमीन, आमीन सबकी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो जनाब, थैंक यू वेरी मच
आप शो देखते हैं और फीडबैक देते हैं इसका भी जरूर दीजिएगा, और फिर अगले एपिसोड में भी आपके फेवरेट एक्टर्स आएंगे हमारे साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।